हिंद एमपीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहकारिता की। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सहकारी आंदोलन क्या है और ये भारत और मध्य प्रदेश में क्यों शुरू हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सहकारी आंदोलन की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे सहकार क्या है, सहकारिता क्या है, सहकारी संस्था क्या है और सहकारी समिति क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सहकारिता के सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे सहकारिता का विकास मध्य प्रदेश और भारत में। इसके बाद हम जो देखेंगे सहकारिता के क्या लाभ हैं और उसकी क्या समस्याएं या फिर क्या चुनौतियां हैं। और इसके बाद हम देखेंगे भारत और मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। और देखना यह है कि सहकारिता के संबंध में कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है सहकारी समितियां कैसे गठित की जाती हैं, सहकारी समिति क्या है, उसके लाभ क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे ग्रामीण या फिर महिला विकास में सहकारिता का क्या योगदान है। अंत में हम देखेंगे कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाएं जैसे नाफेड, क्रेफको, अमूल, साची, एनसीडीसी मतलब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सहकारी आंदोलन से। सहकारी आंदोलन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत के लिए सहकारिता कोई नई चीज नहीं थी। आपको पता होगा कि भारत के जो गांव थे वो अंग्रेजों के आने से पहले कैसे थे, खुशहाल थे और समृद्ध थे। इसका कारण पता है आपको क्या था? इसका कारण था गांवों की आत्मनिर्भरता। और ये आत्मनिर्भरता आई कैसे? मिलजुल कर काम करने से, एक दूसरे का सहयोग करने से। पर हुआ क्या कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत के गांवों को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अपने हित पूरे नहीं हो रहे थे। उनको एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था और सस्ता श्रम चाहिए था। चूंकि भारत के गांव आत्मनिर्भर थे तो वो ना तो किसी से कोई वस्तुएं खरीदते थे और ना ही उन्हें किसी पर आश्रित होने की जरूरत थी। तो सबसे पहला काम जो अंग्रेजों ने किया वो था भारत के गांवों को समाप्त करने का। समाप्त कैसे किया? कुटीर उद्योगों को समाप्त किया, उनकी कृषि को खाद्यान्न से हटाकर व्यावसायिक बना दिया गया जिससे वो खाद्यान्न के लिए निर्भर हो गए। तो इस प्रकार से हमारे लिए सहकारिता कोई नई चीज नहीं थी, पर हमको जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमको आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया था और इस कंगाली के कारण हम क्या हुए, बहुत दरिद्रतापूर्ण अपना जीवन जीने लगे। तो फिर हमने क्या किया, एक साथ मिलकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से एक साथ खड़े हुए और फिर हमने अपनी स्थिति को बदलने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना शुरू कर दिया और इसी प्रयास को सहकारी आंदोलन कहा गया। क्यों सहकारी आंदोलन इसलिए कहा? क्योंकि देखो, गांवों के लोग जब दरिद्रतापूर्ण जीवन जीने लगे तो उनको ऐसा लगा कि हमको इस स्थिति से उबरना है और उस स्थिति से उबरने के लिए वो क्या हुए, एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने आपसी सहयोग के आधार पर अपनी उस आर्थिक तंगी को दूर करने का प्रयास किया। तो यह व्यापक स्तर पर किया गया इसलिए इसको आंदोलन कहा, चूंकि यह सहकारी की भावना पर आधारित था जिसमें मिलजुल कर कार्य करना था, इसलिए इसको नाम दिया गया सहकारी आंदोलन। और यही आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया जिससे ना तो मध्य प्रदेश अछूता रहा और ना ही भारत का कोई अन्य राज्य। तो इस प्रकार से भारत और मध्य प्रदेश में व्यक्तियों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए एक साथ मिलकर सहयोग की भावना के आधार पर, मिलजुल कर कार्य करने की भावना के आधार पर जो आंदोलन शुरू हुआ उसे हमने सहकारिता आंदोलन नाम दिया और यह भारत के विकास का सशक्त माध्यम बनकर उभरा।
इसके बाद हम देखेंगे कि सहकार से कैसे सहकारिता का विकास हुआ, कैसे सहकारी संस्था बनी और कैसे सहकारी समितियां गठित हुई। तो देखना यह है कि मिलजुल कर और परस्पर सहयोग की भावना के आधार पर जो कार्य किया जाता है उसे हम सहकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकार कहते हैं। अब क्या होता है जब सहकार का विकास हो जाता है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर और परस्पर सहयोग के आधार पर काम करने लगते हैं, और फिर हम जब सहकार को संस्थागत रूप देने का प्रयास करते हैं तो उससे जो संस्था निर्मित होती है उसे हम कहते हैं सहकारी संस्था। क्या हुआ है? मिलजुल कर या परस्पर सहयोग की भावना के आधार पर जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं सहकार, और सहकार को जब हम संस्थागत रूप दे देते हैं तो उससे जो संस्था बनती है उसे कहते हैं सहकारी संस्था। और इस सहकारी संस्था को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है लोगों की। तो फिर क्या होता है? लोग इकट्ठा होते हैं और वो निर्माण करते हैं एक संघ का, और इस संघ को ही हम कहते हैं सहकारी समिति। तो आपने देखा कि मिलजुल कर परस्पर सहयोग के आधार पर जो हम कार्य कहते हैं या जो भावना रखते हैं उसे हम सहकार कहते हैं, और जब हमने सहकार को संस्थागत रूप दिया तो उससे निर्मित हुई संस्था क्या कहलाई? सहकारी संस्था। और उस सहकारी संस्था को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी, तो फिर लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ को कहा जाता है सहकारी समिति। और आपको पता होगा कि इस सहकारी समिति में जो न्यूनतम लोगों की जरूरत होती है वो होती है 10। मतलब 10 अगर लोग मिल जाएं सहकार की भावना पर तो वो एक संघ का निर्माण करते हैं और उस संघ को कहा जाता है सहकारी समिति। इसके बाद हम देखेंगे सहकारी आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है वो कि सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया यह एक संघ था। इस आंदोलन की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि इसमें एक नारा दिया गया था, और वो नारा था काम करो। क्या था? काम करो का नारा दिया गया था। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये आत्म सहायता पर आधारित आंदोलन था। चौथी जो विशेषता है वो है आर्थिक संगठन के लिए बनाया गया था। क्यों? आपको पता है कि आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही लोग आपस में संगठित हुए थे और उसी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यह समानता पर आधारित आंदोलन था। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी लोगों को अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। इस आंदोलन में ना तो जात, ना धर्म, ना लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये समानता पर आधारित था, इसमें स्वेच्छा से सभी लोग जुड़ सकते थे। तो ये कुछ विशेषताएं थी सहकारी आंदोलन की। इसके बाद हम देखेंगे सहकारिता, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। मैंने आपको बताया था पहले कि अंग्रेजों के कारण भारत के जो सभी लोग थे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, और फिर लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार के साथ क्या किया? स्थिति बदलने का प्रयास शुरू किया। और मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग और मिलजुल कर जो हम कार्य करते हैं उसे सहकार कहते हैं। तो लोगों ने सहकार की भावना के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करना शुरू किया। तो देखो, आप यहां लिख सकते हैं कि जब लोग अपने समान आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सहकार की भावना के आधार पर कार्य करना शुरू करते हैं तो उसे ही हम सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता मतलब क्या हुआ? जब लोग अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सहकार की भावना के आधार पर कार्य करना शुरू करते हैं
तो उसे सहकारिता कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है। सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। क्या है सहकारिता का सिद्धांत? एक सबके लिए और सब एक के लिए जब कार्य करें तो वो सहकारिता का सिद्धांत बन जाता है। ये है सहकारिता का मूल सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे कि सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है कि सहकारिता लोगों ने इसलिए शुरू की कि वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर सकें। इसका मतलब क्या है? आर्थिक कल्याण के लिए ही सहकारिता शुरू की गई थी। इसलिए सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है वो है लोगों का आर्थिक कल्याण करना। इसके बाद हम देखेंगे सहकारिता के क्या-क्या सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वो है स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता। इसका मतलब क्या है? लोग अपनी स्वेच्छा से इस संस्था से जुड़ सकते हैं और अलग हो सकते हैं। दूसरी है खुली सदस्यता। कोई भी आ जा सकता है। इसमें लिंग, जाति, धर्म, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये है सहकारिता का पहला सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसका मतलब ये है कि जो सहकारिता बोर्ड होता है उसमें सदस्यों के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने हुए पदाधिकारी कार्य करते हैं और फिर वो सदस्यों के हित में निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो सहकारिता का बोर्ड है वो सदस्यों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित होता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। क्या है कि जब भी लोग सहकारिता शुरू करते हैं तो उसमें सदस्यों के द्वारा कुछ पूंजी का अंशदान किया जाता है जिससे सहकारिता के कार्यों को शुरू किया जा सके। तो यह जो संस्था होती है वो सदस्यों की आर्थिक भागीदारी से ही संचालित होती है। सहकारिता का जो चौथा सिद्धांत है वो है स्वायत्त एवं स्वाधीनता। स्वायत्त इसलिए क्योंकि सहकारिता में जो भी कार्य होते हैं सदस्य अपनी स्वेच्छा से करते हैं, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्वाधीनता इसलिए, आपको पता है कि सहकारिता में कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं होती जो ऊपर से उनको नियंत्रित करे। सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं वही एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और वो अपने कार्यों के लिए स्वतः ही आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं, इसलिए वो स्वाधीन भी होते हैं। जो पांचवा सिद्धांत है वो है शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी। जो सहकारिता के अंदर क्या किया जाता है, इसके सदस्यों को और चयनित पदाधिकारियों को समय समय पर सहकारिता की शिक्षा, उसकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे क्या हो सके, सहकारिता अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। सहकारिता का जो अंतिम सिद्धांत है वो है समुदाय का कल्याण। आपने पढ़ा होगा कि ये आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का संगठन है। पर व्यक्तियों का संगठन तो है ही, पर वो समुदाय के लिए भी कार्य करते हैं। उनका मूल उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपना कल्याण तो करें पर दूसरे का भी कल्याण हो। जैसे आपने देखा होगा कि अमूल जो दूध है उसके द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों का कल्याण तो होता ही है, साथ ही अमूल जो संस्था है वो प्रयास करती है कि लोगों तक शुद्ध, स्वच्छ और पौष्टिक दूध पहुंचे जिससे उनका भी कल्याण हो। तो इस प्रकार सहकारिता समुदाय के कल्याण के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। तो ये थे सहकारिता के कुछ मूलभूत सिद्धांत। इसके बाद हम शेष भाग पार्ट बी में देखेंगे।